फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले जो हमारे पास मोबाइल फोन है वन प्लस नॉट सीई 3 लाइट 5G, इस फोन के अंदर जो हमारे पास फिंगरप्रिंट सेंसर है इसके बारे में हम करेंगे बात। और आज हम करेंगे कैसे आप फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं अपने वन प्लस के फोन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फोन को कर लेना है ऑन, जैसे मैंने करा ऑन। ऑन करने के बाद आपको आ जाना है अपने फोन की सेटिंग में। सेटिंग में आप दो तरीके से आ सकते हैं, यहाँ नीचे से जो आपका जो सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ से भी आ सकते हैं। अगर आपको इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो आप ऊपर से डायरेक्ट वो सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आपको सेटिंग में ही आना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। पासवर्ड एंड सिक्योरिटीज पे हम कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको जो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर कर देना है क्लिक। फिंगरप्रिंट पे ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगा, आपको उस पर कर देना है एग्री। एग्री करने के बाद आपको सेट करना है पासवर्ड। तो आपको सिलेक्ट करना है पासवर्ड टाइप, आप पैटर्न करना चाहते हैं या अल्फाबेट लगाना चाहते हैं या न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं, तो हम पैटर्न लगा देते हैं। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट नोटिस भाई आपको कुछ दे रहा है, आपका जो फ़ोन है फिर ये पासवर्ड से ओपन होगा, इसलिए ध्यान से पासवर्ड डालें। इसके बाद हम चले जाते हैं हम फिंगरप्रिंट पे। सबसे पहले हम लॉक लगा देते हैं, हमने ये वाला लॉक जो है वो सेट कर दिया है। लॉक सेट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा लॉक हो चुका है सेट। अभी हमें बोल रहा है कि आप जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसके ऊपर अपनी फिंगर रख दीजिए। तो मैं अपनी जो फिंगर है वो फिंगरप्रिंट सेंसर पर रख देता हूँ। देख सकते हैं काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है, ये देख सकते हैं मैं फिंगरप्रिंट पर सेंसर पर मैं अपनी फिंगर को एडजस्ट करके इधर पर रख देता हूँ। देख सकते हैं ये फिंगर, ये है हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर जिसके ऊपर मेरे को अपनी फिंगर रखनी है सही से। और जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जा रहा तब तक आपको इसको रखना है। कंप्लीट होने के बाद आपको नीचे डन का ऑप्शन आ जाएगा, डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपकी जो फिंगर है वो लग जाएगी, ठीक है ना। वो बोल रहा फेस लॉक भी लगाने का, अगर आप फेस लॉक लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बट फेस लॉक के लिए भी आपको सेम प्रोसेस करनी है। तो सभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऐप लॉक का सेक्शन है इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस और दिख जाएंगे। जैसे स्क्रीन लॉक में तो आपको फिंगरप्रिंट लगा रहना चाहिए, कि आप चाहते फिंगरप्रिंट अगर आप किसी ऐप में भी लॉक लगाते हैं तो उसमें भी रहे, तो आपको इसे भी इनेबल कर देना है। सेटिंग्स में जाके इसको इनेबल कर देना आप सेटिंग। ऐप लॉक में अगर आप पासवर्ड बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, पर अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिर प्राइवेट सेफ में भी ये फिंगरप्रिंट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। फिर एंटर होम स्क्रीन, आपका जो है जैसे ही आप होम स्क्रीन पे चले जाएँ तो उसके बाद आपका जो फ़ोन है वो अनलॉक हो जाए। जैसे ही आप क्लिक करें वैसे ही आपका जो फ़ोन है अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके बाद जो सेकंड है वो फेस लॉक। फेस लॉक के अंदर हम चले जाते हैं, इसके अंदर भी हमें कर लेना है एग्री। और एग्री करने के बाद हमने जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड डाल देना है और हमें हमारा जो फेस है वो इसमें इनरोल कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं मेरा फेस को इसमें इनरोल कर देता हूँ। देख सकते हैं मेरा जो फेस है वो इसमें इनरोल हो चुका है, मतलब हमारा जो फ़ोन है उसमें हमने फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक दोनों साथ में लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन लॉक, ऐप लॉक, प्राइवेट सेफ, इसमें भी आप सेम टू सेम वैसे ही अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आपका फेस लॉक इन पे भी वर्क करने लगेगा, ठीक है ना। जैसे ही आप एंटर करें होम स्क्रीन पे वैसे ही आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। इसके नीचे ब्राइटनेस जो है वो लाइट डिम वो अपने आप एडजस्ट हो जाए। रिक्वायर आईज ब्लिंक एंड ओपन, आपका जो आँख है वो आपको ब्लिंक करनी पड़ेगी तब जाके आपका फ़ोन ओपन हो जाए। फिर डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, ठीक है ना, ये सारे ऑप्शन है। अब मैंने फिंगरप्रिंट और फेस लॉक लगा दिया, तो अब देख लेते हैं फिंगरप्रिंट और फेस लॉक कैसा क्या वर्क करता है। ये देख सकते हैं फेस लॉक हमारा ऑन हो चुका है। अब फिंगरप्रिंट से ट्राई करते हैं, देख सकते हैं फिंगरप्रिंट से भी हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो गया है। देख सकते हैं कितना फास्ट वर्क कर रहा है, मैंने देख सकते हैं फिंगरप्रिंट लगाई और काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है। देख सकते हैं सेंसर जो इसके काफ़ी फास्ट वर्क कर रहे हैं। अब देख सकते हैं हम कैमरे का लगाएंगे, ये वाली फिंगरप्रिंट तो हमने लगाई थी, तो अब देख सकते हैं हमने इस पर लगाया फट से ऑन। अब हम जो है फटाफट कैमरा पर लगाएंगे। देख सकते हैं मैंने जो फेस लॉक लगा दिया और फ़ोन जो है अनलॉक हो चुका है। अब देख सकते हैं मैंने फेस लॉक लगाया, ये फ़ोन मेरा अनलॉक हो चुका है। मतलब फिंगरप्रिंट और जो फेस लॉक है ये दोनों काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहे हैं, बिना कोई दिक्कत के काफ़ी अच्छा चल रहा है। मतलब फिंगरप्रिंट और फेस लॉक इसका काफ़ी अच्छा है और आप इस तरीके से फिंगरप्रिंट और फेस लॉक इसमें लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फिंगरप्रिंट और फेस लॉक का जो सेक्शन है वो बंद करना, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड पे जाना है। इसका जो पासवर्ड का सेक्शन है यहाँ पे जाकर आपको जो है टर्न ऑफ पासवर्ड पे कर देना है और डिसेबल कर देना है। आपको पासवर्ड डालना है और आपका जो फ़ोन है वो जो है डिसेबल हो जाएगा। आपका जो लॉक है फ़ोन में से फिंगरप्रिंट भी और फेस लॉक भी सब डायरेक्टली ऑफ हो जाएंगे। चाहते हैं वापस ऑन करना तो आप वापस पैटर्न डाल के उसके बाद फिर जैसे मैंने जो भी प्रोसेस बताई थी उसके बाद आपको पूरी प्रोसेस वही करनी है और आपका फ़ोन जो है वापस जो है लॉक्ड हो जाएगा
और आपका जो फेस लॉक है, फिंगरप्रिंट लॉक है, वो सब वापस आ जाएंगे। जैसे अभी देख सकते हैं, मैं फिर से फेस लॉक फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है फेस लॉक फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं अपना जो वन प्लस मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर। वन प्लस नॉट सी ई 3 लाइट 5G फ़ोन में आप इस तरीके से फिंगरप्रिंट और फेस लॉक लगा सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।